ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। भेल्टेस की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ। इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स, खुद को टेस्ट करते रहो। आप नीचे जाओ, इनको करो नीचे, इनको मर्यादा है मेरी। आपने ये वीडियो देखा, एक तरफ है अभिनव अरोड़ा जो कि खुद को बाल संत कहते हैं, भगवान कृष्ण के लिए खुद को सखा बताते हैं, और दूसरी तरफ है राम भद्राचार्य जो कि रामानंद संप्रदाय के जगत गुरु हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और वो बयान भी जो आपने सुना, दरअसल ये बयान राम भद्राचार्य ने सुल्तानपुर में दिया है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जब राम भद्राचार्य से बाल संत या कहिए कि जो बच्चे आजकल धार्मिक कार्यक्रमों में प्रवचन देने का काम कर रहे हैं या फिर एक तरीके से धार्मिक इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, उनको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये बालक मूर्ख है, मैंने इसे वृंदावन में भी क्लास लगाई थी। आभूषण भी सुंदर बन जाते हैं, ऐसे हमारे परम लाडले बांके बिहारी जी का आज प्राकट्य महोत्सव और श्री जानकी वल्लभ लाल का आज विवाह महोत्सव, और आज इतनी नई बात प्रभु ने बताई कि बांके बिहारी जी ने अपने प्राकट्य का दिवस विवाह पंचमी को ही क्यों चुना। ये विवाह पंचमी है और बिहार पंचमी भी है, क्यों? दरअसल एक कार्यक्रम था जहां मंच पर रामभद्राचार्य थे और अभिनव अरोड़ा थे, और उन्होंने रामभद्राचार्य ने अभिनव अरोड़ा को नीचे जाकर बैठने की सलाह दी, और जिस तरीके से दी उसे सोशल मीडिया पर कुछ अलग एंगल से प्रस्तुत किया गया, या कहें कि ये बताया गया कि रामभद्राचार्य ने फटकार लगा दी। जब यही सवाल राम भद्राचार्य से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अभिनव अरोड़ा को वो सही नहीं मानते, क्योंकि वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का दोस्त बताता है, पढ़ने वाला साथ बताता है, और ऐसा संभव नहीं क्योंकि भगवान भगवान है। बच्चे संत के रूप में लगातार प्रवचन कर रहे हैं काफी संख्या में, इसके लिए आप कहते हैं? ये दुर्भाग्य, आपने भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप कहते हैं? अरोड़ा वाला, अरोड़ा वाला, वही बात, अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है, वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्यता से उसको बोलेगा मैंने नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे, मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। तो ये एक तर्क के साथ उन्होंने अभिनव अरोड़ा को डांट लगाई, ऐसा उनका कहना है। हालांकि अभिनव अरोड़ा लगातार लंबे समय से विवादों में घिरे हुए, इसकी शुरुआत होती है एक वीडियो से, दरअसल ये वीडियो ओनली देसी नाम की यूट्यूब चैनल ने बनाई थी। उन्होंने ये दावा किया कि अभिनव अरोड़ा एक किस्म का फ्रॉड है, ये एक दावा है जिसमें बताया गया कि अभिनव अरोड़ा के पिता जो हैं वो उस तरीके से प्लांट कर रहे हैं अपने बच्चे को, वो इससे पहले आइसक्रीम बेचने के लिए विज्ञापन करने का भी काम करता था, रील चलाता था, तमाम बातें भी उसमें कही गई कि वो मोबाइल चलाता है, और वो दावे करते कि नहीं मोबाइल नहीं चलाता हूँ, स्कूल को लेकर तमाम बातें कही गई। हालांकि ओनली देसी की इस वीडियो को लेकर अभिनव अरोड़ा का जो परिवार है उसने कोर्ट का भी रुख किया है, और दावा ये है कि वो इस पूरे मामले में कोर्ट के जरिए मानहानि करेंगे। हालांकि दूसरी बात इसमें ये भी है कि सोशल मीडिया पर इस पूरे वीडियो के बाद से लगातार एक एक करके कई वीडियो सामने आ रहे हैं, जैसे कि एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें अभिनव अरोड़ा ये कहते नजर आ रहे हैं कि मेरी माँ वेजिटेरियन है लेकिन वो मेरे लिए चिकन बनाएंगी, और जबकि वो जिस परंपरा की बात कर रहे हैं उसमें नॉनवेज खाना इस तरीके से नहीं लिया जाता है, इसको लेकर भी बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं। फिलहाल अभिनव अरोड़ा सोशल मीडिया पर इस तरीके के आरोप लगातार झेल रहे हैं, और अब राम भद्राचार्य के इस बयान से एक बार फिर वो घिरते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात राम भद्राचार्य की करें तो राम भद्राचार्य जो है वो रामानंद संप्रदाय के जगत गुरु हैं, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ, 2 महीने की उम्र में उनकी आँख की रोशनी चली गई थी, उसके बाद भी वो 22 भाषाओं का ज्ञान रखते जिसमें अवधि मैथिली भी है, 2 संस्कृत और 2 हिंदी में कुल मिलाकर 4 महाकाव्य लिख चुके हैं। बड़ी बात यह है कि राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने गवाही भी दी थी, अथर्वेद का हवाला दिया था, 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा है, बिना आंखों के वो राम की भक्ति करते और राम कथा भी सुनाते हैं। हालांकि कई बार वो विवादों में भी रहे, राम भद्राचार्य जातिगत टिप्पणी को लेकर एक बार वो बहुत भारी विवाद में आए थे जब चंद्रशेखर आजाद ने उनके खिलाफ
मोर्चा खोल दिया था। लेकिन फिलहाल उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और अभिनव अरोड़ा जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं उसको लेकर भी एक बड़ी चर्चा है। एक तरफ वो अपने आप को बतौर धार्मिक संत पोर्ट्रे कर रहे हैं और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।